हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माडी गोस्वामी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे BHMS फाइनल ईयर के HMM के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगेन 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 बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि मार्च 2023 में जो ये एग्जामिनेशन हो रही है BHMS फाइनल ईयर की, वो कौन कौन दे सकते हैं। सो अगेन क्लियरिंग, वो स्टूडेंट जिनका अक्टूबर 2020 में फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया और अभी रिजल्ट आया और वो लोग फेल हो गए हैं, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। सेकंड, जिन लोगों का थर्ड ईयर का रिजल्ट दिसंबर 2021 में आया था, वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन दो बैचेस के अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं है। आप लोगों के फाइनल ईयर में जब तक 18 मंथ्स कम्प्लीट नहीं होंगे, आप लोगों की एग्जामिनेशन नहीं होगी। तो फालतू लोगों की बातों को सुन करके हाइपर होना छोड़ दीजिए और अपनी अपनी अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आज की हमारी मेडिसिन है कॉस्टिकम, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मेडिसिन नंबर 94। इसके आगे की भी मेडिसिन चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। कॉस्टिकम डॉक्टर हनीमन ने ही प्रूफ की थी। साइनकैली पोटेशियम हाइड्रेट फैमिली से बिलोंग करती है, एक ग्रुप है इसका, ठीक है। जो प्रिंसिपल एक्शन होता है इस ड्रग का, वो होता है वैगस नर्व पर, लैरिंग्स पर, ट्रैकिया पर, यूरिनरी ब्लैडर पर। रॉनेस और सोरनेस लगती है पूरी बॉडी में। पैरालिसिस होता है सिंगल पार्ट का, यूजुअली राइट साइडेड पैरालिसिस देखने को मिलता है। दूसरों की सफरिंग्स के लिए, दूसरों की परेशानियों के लिए कॉस्टिकम को बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है। चिल्ड्रन आर लेट इन लर्न टू वॉक ड्यू टू नर्वस वीकनेस, ग्रेट वीकनेस। वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है कॉस्टिकम का, जो मेन कंप्लेनिंग सिम्टम होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। बैकएक होता है, मतलब इपिलेप्सी के अटैक आते हैं, पैराप्लेजिया होता है। स्टूल पासेस ओनली व्हेन स्टैंडिंग या बेटर व्हेन स्टैंडिंग, खड़े होकर के स्टूल ज़्यादा ईजिली पास कर पाता है। कॉस्टिकम में हम लोगों को सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखनी है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। नेक्स्ट मेडिसिन है हम लोगों की मर्क्यूरियस सल्फ्यूरिकस। मर्क सॉल और मर्क सल्फ दोनों ही इस बुक में नहीं है। नेक्स्ट है मर्क्यूरियस डलकिस, दैट इज मर्क डलकिस। कैलोमॉल इसका कॉमन नेम है, HGCl इसका फॉर्मूला है। स्पेशली स्क्रोफुलस चिल्ड्रन में दी जाती है, जिसमें बिलियस अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनका कॉम्प्लेक्शन जो रहता है वो एकदम ब्लूइश रहता है। कैल्ट्रल अफेक्शन रहते हैं म्यूकस मैमरिन के, कैल्ट्रल इन्फ्लामेशन रहेगा मिडिल ईयर, मतलब ईयर की अगर कोई भी समस्या है तो हम लोग मर्क डलकिस को याद कर सकते हैं। ब्लैक टंग रहेगी, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। एक्यूट अफेक्शन रहेंगे प्रोस्टेट के, या कोई भी ऐसा ऑपरेशन कराया हो जिसमें लाइक पेनिस इन्वॉल्व हो, चाहे वो फीमोसिस हो, पैराफीमोसिस हो, अगर उसके बाद कोई समस्या आ रही है तो इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। डायरिया ऑफ चिल्ड्रन कैसा रहेगा, ग्रीन ग्रास स्टूल लाइक चॉप्ड एग कॉजिंग सोरनेस ऑफ एनस, और एनस में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। तो ये छोटी सी मेडिसिन है मर्क डल। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्क साइनेटस। मर्क साइनेटस का कॉमन नेम है मर्क्यूरिक साइनाइड, HgCN2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। मैलिग्नेंट डिप्थेरिया हो, जिसकी में इंटेंस रेडनेस होगी पूरे के पूरे थ्रोट की, और बहुत ज़्यादा मतलब ऑडिनोफेजिया की कंडीशन रहेगी कि स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी। अब डिप्थेरिया में क्या होता है, वो सारे सिम्टम्स लिख देना है कि स्यूडोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को लगेगा बस मैं कुछ ना कुछ निकलता जाऊँ, कुछ अटक रहा है और गले में कुछ निकलता जाऊँ। ग्रेट वीकनेस रहेगी, बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, प्रोफ्यूस सलाइवेशन रहेगा, और ग्रीनिज डिस्चार्जेस निकलेंगे नजल कैविटी से। तो ये है मर्क साइनाइटिस। नेक्स्ट मेडिसिन, मेडिसिन नंबर 88 अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, दैट इज फिजोस्टिग्मा। कैलिबर बीन लेग्यूमिनोसी फैमिली को बिलोंग करती है। इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ है हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में। जो चीफ एक्शन होता है वो होता है स्पाइनल मोटर नर्व्स पर, आइज पर और मसल्स पर। देखो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि आप लोगों का सारा सिलेबस मैं आपके एग्ज़ाम्स के पहले करवा पाऊँ, और जैसा कि मुझे लग रहा है वो हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब वीडियो पर अच्छे व्यूज़ होते हैं, अच्छे लाइक्स होते हैं, तो लगता है कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमने वीडियो और ज़्यादा बनानी चाहिए। लेकिन जब ये नहीं होता है ना, फिर ऐसा लगता है
कि हम लोग अपने बिजी स्केड्यूल में से इतना समय निकाल रहे हैं उसके बाद भी इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है वीडियो कॉल आने में। तो आप जब भी वीडियो को देखते प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। तो फिजोस्टिग्मा इन इन चीज़ों पर काम करती है, हमेशा सोचते रहता है, जो ओवर थिंकिंग वाली स्टेट होती है और उसकी वजह से नींद नहीं आती है, अनकॉमन मेंटल एक्टिविटी रहती है, प्यूपिल्स एकदम ऐसे बड़े बड़े से रहते हैं, सिलियरी मसल्स का स्पैज्म हो जाता है, कंटिन्यूसली आँखों के आगे पर ना ऐसे काले काले से धब्बे दिखाई देंगे, ट्रीमर्स और ट्रैवलिंग चलता रहेगा। जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहता है, नर्वस रहता है, उसको कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि वो अलग ही एक दुनिया में खोया हुआ रहता है। अनकॉमन मेंटल एक्टिविटी मतलब कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता ही रहता है, वो यहाँ हमारे साथ में भी बैठा होगा ना तो हमारे साथ में होता नहीं है। ही कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग विद इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट द माइंड। अगर दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है भैया तो आप मतलब कंसंट्रेशन के साथ बैठ ही नहीं सकते हो ना, आप यहाँ होकर के भी यहाँ नहीं रहते हो, आपका दिमाग कहीं और ही चलता रहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजोस्टिग्मा। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलमिया लैटिफोलिया, माउंटेन लॉरल इसका कॉमन नेम है, इरिकेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। ये मेनली मेडिसिन है रूमेटिज्म के लिए, स्पेशली जिन लोगों का लाइक रूमेटिक या गाउटी डायथिसिस होता है ना, उन लोगों पर ये बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट कंप्लेंट और रूमेटिज्म ऑल्टरनेट करता है, मतलब गर्मियों में ही आ जाएगा, सर्दियों में वो आ जाएगा, ऐसा चलता रहेगा। रूमेटिज्म में क्या क्या होगा, जॉइंट्स जो रहेंगे वो थोड़े से हॉट रहेंगे, रेड रहेंगे, स्वेलन रहेंगे, पेनफुल रहेंगे, शिफ्टिंग पेन रहेगा एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ, पल्स स्लो रहेगा, सीवियर स्टिचिंग रहेगी, आई में वर्टिगो रहेगा जब वो आगे की तरफ झुकेगा। रूमेटिज्म पढ़ लेते हैं। रूमेटिज्म का जो कॉजेशन है वो रहेगा ठंडी हवाएं या ठंडी हवाओं का एक्सपोजर। लोकेशन स्पेशली राइट साइडेड रूमेटिज्म होता है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ राइट साइडेड ही होगा, लेकिन शुरुआत राइट साइड से होगी। अब वो पेशेंट को याद रहे या ना रहे, आप लोगों को अपनी केस चेकिंग में निकलवाते आना चाहिए, लेकिन शुरुआत राइट साइड से ही होगी। सेंसेशन ऑफ नमनेस, कोल्डनेस और वीकनेस रहेगा। पेन कैसा रहेगा, स्टिकिंग रहेगा, डार्टिंग रहेगा, ऐसा लग रहा है कुछ खींच रहा है, और एकदम से ऐसा चमक जैसा पेन चलेगा। नमनेस रहेगी उस पार्ट में और बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, और पेन एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ फैलता रहेगा। एग्रावेशन थोड़ा सा भी मूव करने पर होगा, एम्बुलरेशन कॉन्टिन्यूट मोशन पर होगा। अगर थोड़ा सा हिला तो उसको दर्द होने लगेगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस चलता रहा तो उसे अच्छा लगेगा। तो ये है हमारे कैलमिया भैया। नेक्स्ट मेडिसिन है एडोनिस, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो उतना अच्छा काम करती है एडोनिस। आई हैव सीन इन माई एक्सपीरियंस एक पेशेंट जिसको एलोपैथ्स ने बोल दिया था कि अब ये 4 घंटे भी नहीं जी पाएंगे, एडोनिस 200 के सिर्फ 3 डोज के बाद में वो इंसान आज तक ज़िंदा है। लाइक अगर पेशेंट में थोड़ा सा पेशेंस आ जाए और ये समझ आ जाए कि हम लोग एलोपैथ्स को छोड़ करके होम्योपैथ्स को प्रायोरिटी दें, और होम्योपैथी को लास्ट में लेने की बजाय स्टार्टिंग में ही ले लेना, तो मतलब एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। मतलब एलोपैथ की दुकानें बंद हो जाएगी, मैं सच कहूँ तो, कि अगर पहले ही होम्योपैथ के पास लोग आने लग जाए, और होम्योपैथ अच्छी खासी होम्योपैथी मतलब लाइक सिंगल सिंपल रेमेडी से प्रैक्टिस करने लग जाए, तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा मेडिकल वर्ल्ड में। एनीवे आप लोगों में से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के होम्योपैथी ज़रूर करेंगे। होम्योपैथी ऐसा नहीं होता है कि आप पैसा नहीं कमा सकते हो या कुछ नहीं कर सकते हो, आप में हौसला होना चाहिए और आपकी कंसिस्टेंसी ही मैटर करती है। ईश्वर सब देते हैं, धीरे धीरे सब होता है, लेकिन होम्योपैथी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो, क्योंकि मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आपको जब रिजल्ट्स मिलते हैं ना तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है, जो आप शायद एक दिन में 1 लाख रुपए कमा करके भी नहीं ले पाओगे। वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है जब आपका पेशेंट ठीक होता है, जब वो तरह तरह के की ठोकरे खा कर के, मतलब एलोपैथ्स इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, दे ओनली वॉन्ट देयर मनी एंड दैट्स इट। ओके, दैट्स नॉट आवर टॉपिक। एडोनिस वर्नालिस,
फीजन साय बोलते हैं रानकुला से फैमिली को बिलोंग करता है। एल्बुमिन यूरिया हो रहा हो, ड्रॉप्सी हो रहा हो, हार्ट अफेक्शन हो, कोई से भी डिजिटालिस की तरह ये काम करती है। एडोनिस एक फेमस हार्ट रेमेडी है। एंडोकार्डाइटिस, वल्विलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कार्डिक एस्मा, कार्डिक ड्रॉप्सी एंड अदर हार्ट अफेक्शन आफ्टर रिमांटिज्म और इन्फ्लुएंजा और रिनल डिसीज, अगर इसमें से कुछ भी हुआ हुए तो एडोनिस बहुत अच्छे से काम करती है। एडोनिस को पोटेंसी में प्रूव नहीं किया गया है। माइट्रल या एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो हार्ट में, एओर्टाइटिस हो, फैटी हार्ट, पेरिकार्डाइटिस हो, र्यूमेटिक एंडोकार्डाइटिस हो, पेरिकार्डियल पेन हो, पाल्पिटेशन हो, डिजनिया हो, वेनस एंगॉर्जमेंट हो, कार्डिक एस्मा हो, फैटी हार्ट हो, मायोकार्डाइटिस हो, इरेगुलर कार्डिक एक्शन हो, कार्डिक कॉन्स्ट्रिक्शन, वर्टिगो, रैपिड पल्स, इरेगुलर लो वाइटलिटी, वीक हार्ट, स्लो वीक पल्स, इतनी सारी चीज़ें, मतलब हार्ट का आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ लिखे हुए। तो अगर इसमें से कुछ भी हो तो आप लोग एडोनिस दे सकते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट के लिए और आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, आप सिमिलिमम नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप एडोनिस लोअर पोटेंसी में मिनिमम डोज में आप उसको दे सकते हो। श्योरली यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ चेंजेस विद इन 15 डेज टू 1 month। तो ये थी हमारी प्यारी एडोनिस। नेक्स्ट मेडिसिन इज जिंकम मेटेलिकम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मेडिसिन नंबर 85 और आज के वीडियो की लास्ट मेडिसिन। जिंक एक एलिमेंट है। जिंकम मेटेलिकम मेनली जो काम करता है वो काम करता है CNS पर, ब्लड पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर और किडनी पर। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि जिंक के क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। सेरिब्रल डिप्रेशन, नर्वस एग्जॉशन, ब्रेन और नर्व पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, वायलेंट फीलिंग होती है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी की कंडीशन हो जाती है। जब भी जिंक का लेवल हमारी बॉडी में कम होने लगता है ना, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती है स्पेशली रिलेटेड टू CNS। तो वही सारी मेजर कंप्लेंट्स कवर करता है जिंकम मेटेलिकम। ट्विचिंग रहेगी, जर्किंग रहेगी, नमनेस रहेगी, ये सारी कंडीशंस रहेगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, स्वेट के स्टेज में वो कुछ भी ढका हुआ या कवर अप नहीं सहन कर पाएगा। कन्वर्जन्स रहेगा, कोरिया रहेगा, पैरालिसिस, वर्टिगो। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पानी पिएगा। वाइन हो गई और ऐसी चीज़ें हो गई, वो इसको बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस रहेगा, मतलब वो कहेगा कि नहीं मेरे सामने मत लाओ या मेरे सामने मत करो। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक उसे बहुत ज़्यादा भयंकर भूख लगेगी। एवर्जन रहेगा वाइन को, मीट को और स्वीट्स से। तो ये है जिंकम मेटेलिकम, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर नहीं पढ़ना है। कन्वर्जन्स उसके देख सकते हैं, सेरिब्रल अफेक्शन रहेगा, पैरालिसिस ऑफ ब्रेन रहेगा। इसके साथ साथ मेनली डेंटिशन के पीरियड में बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। जिन बच्चों को दांत आ रहे हों और उस दौरान कन्वर्जन्स हो, फिट्स आ रही हो, तो ये मेडिसिन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। दो हमारे पास और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, तो हमें इसकी ज़रूरत कम पड़ती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जिंकम मेटेलिकम। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और जब भी वीडियो देखते हो तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना।